अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो आप सब लोग जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। तो अभी मैं बाहर आया हुआ था घर से, पीछे इधर घर है उधर बैक साइड पे, और अभी खेतों की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं खेतों में। चाचू लोग एक खेत के अंदर जो है ना वो बीज दे रहे थे फसल का, तो मैंने और मम्मा ने देखा तो कहते हैं कि जाओ ले आओ थोड़ा सा ना बीज गोंगलू और मूलियों का, वो भी लगा देते हैं। पहले लगी हुई हैं लेकिन कहते हैं थोड़ा सा और लगा देते हैं तो कुछ और। तो अभी मेरे हाथ में ये गाजरों का भी बीज है, ये मैंने एक पे लगाया एक बन्नी के ऊपर, तो बाकी भी बीज कुछ मम्मा लगा रहे हैं कुछ मैं लगा रहा हूँ, तो भी मैं दिखाता हूँ आपको बैक साइड। पानी लगा हुआ है, इस साइड से पानी जा रहा है अंदर, और ये सामने जो बन्नी नज़र आ रही है इस पर अभी मैंने गाजर का बीज लगाया सब सारी के ऊपर, और उधर जो इस साइड पे अभी पानी नहीं पहुंचा वहाँ पे एक पे गोंगलू और एक पे मूली। तो उधर चाचू जो हैं वो बीज गिरा रहे हैं, अभी पता नहीं कौन सी फसल का है, चारा है अब जानवरों का कोई तो उसका। ये जो खेत है इसमें तो अभी हम फसल अभी उसके लिए बीज गिरा रहे हैं, और इस साइड पे जो अगर आप देखें पीछे मेरे जो है ये है सरसों का खेत, इसमें अभी फूल तो नहीं निकले, सरसों के फूल होते हैं ना येलो कलर के फूल निकलते हैं वो भी नहीं निकले, अभी छोटी है। तो वैसे ऐसे सरसों का साग वगैरह काफ़ी दफ़ा बनाया हमने खाया लोग, मतलब हम खुद भी बनाते हैं, और वो लोग जिनकी मतलब अपने खेत नहीं है फसलें नहीं होती वो ले कर जाते हैं बना लेते हैं खा लेते हैं। सरसों के इस खेत के बिल्कुल इधर साथ ये है केले का दरख्त, काफ़ी फैला हुआ है, इस पे केले लगते भी हैं वाकई, ये नहीं है कि सिर्फ दरख्त लगा हुआ है उस पे केले वगैरह नहीं लगते, इस पे वाकई केले लगते भी हैं। मैं अभी दिखाता हूँ आपको कहाँ पे लगे हुए हैं, वो ऊपर लगे हुए हैं ये देखिए, ये केले इसके ऊपर लगे हुए हैं, अभी हैं कच्चे और वैसे अभी हैं छोटे भी, ये जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे साइज़ में तो फिर इसको उतार लेंगे हम यहाँ से, और उसके बाद जब पकाना होता है पकाने के लिए जो है वो इसमें या तो दारू वगैरह रखा जाता है, मतलब दारू वो दूसरी पीने वाली दारू नहीं, वो एक मतलब और चीज़ होती है मिलती है शॉप से मिल जाती है, या फिर इसको तूरी भूसा जो होता है उसमें दबा देते हैं, या फिर दाने जो होते हैं गंदम उसके अंदर दबा देते हैं, यानी कि इसको गर्म रखने के लिए गर्माइश, यानी कि इसको हीट मिले कहीं से, तो फिर ये पक जाता है और बहुत ही मज़े के होते हैं, इसका आप मिल्क शेक बना के पी सकते हैं वैसे खा सकते हैं। जैसे दूसरे केले होते हैं जो आपको मिलते हैं शॉप वगैरह से बाज़ार से उस तरह तो नहीं होते, लेकिन इनका एक अलग होता है हट के होता है, क्योंकि ये देसी होते हैं हमारे घर के होते हैं, और वो जो होते हैं वो और तरह के होते हैं। इस खेत के चार हिस्से किए गए हैं, सबसे पहला हिस्सा है उसके अंदर पानी कंप्लीट हो चुका है, दूसरे के अंदर अभी शुरू हुआ है, तीसरा और चौथा जिसके अंदर मैं खड़ा हूँ इनके अंदर अभी पानी आएगा थोड़ी देर में, काफ़ी टाइम लग जाएगा। अभी चाचू इसमें बीज गिरा के चले गए हैं, तो अभी पानी आहिस्ता आहिस्ता जब तक उधर से ट्यूबवेल चला हुआ है तो पानी आता रहेगा आता रहेगा, तो शाम से पहले ही जो है ना ये भर जाएगा सारा। अभी ये मेरी बैक साइड पे ट्यूबवेल चल रहा है, और इसी ट्यूबवेल का पानी जो है वो उधर उस खेत में जा रहा था जहाँ पे हम वो अभी बीज गिरा के आए हैं ना लगा के आए हैं गाजर मूली शलजम का, वहाँ पे इस ट्यूबवेल का पानी जा रहा था। अभी ट्यूबवेल की तरफ से वापस मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, इस साइड पे
ये जो आपको खेत नजर आ रहा है जिसमें भी भैंसों के लिए चारा लगा हुआ है, ये खेत भी हमारा ही है। इस साइड पे जो मेरे पीछे भी आपको नज़र आ रहा है, इसमें भी कमाद की फसल है, ये भी खेत हमारा ही है। भैंसों के जो बच्चे हैं छोटे, उनको बाहर बांधा गया है खेत के अंदर। डेरा सामने है और उसके पीछे आपको जो नज़र आ रहा है वो घर है। तो उधर जो है हमारा डेरा, वहाँ पर जो है ना, वो रात को इनको अंदर बांधा जाता है ताकि बाहर सर्दी ना हो, तो दिन को इनको बाहर बांध दिया जाता है ताकि धूप में रहें। तो रात को सर्दी होती है, ज़ाहिर बात है बाहर, तो इसलिए इनको उधर अंदर ले जाते हैं, तो दिन को दोबारा फिर बाहर बांध देते हैं। अभी वापस मैं घर पहुँचा हूँ तो मुझे फूल नज़र आए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं गुलाब के फूल। वाइट हैं, येलो हैं, ये वाइट है, जो भी है, अभी खिला नहीं है पूरा, ये भी खिल चुके हैं सही तरह से। ये सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा है और सबसे बड़ा भी यही है। अभी घर आके बैठा हूँ मैं आराम से। अभी भी नवंबर तो खैर गुजर गया तकरीबन, तो दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी भी बाहर थोड़ा सा भी काम करें या काम हो, कोई भी काम हो थोड़ा बहुत, इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत लगती हो, बेशक थोड़ा बहुत ही क्यों ना हो, तो आपका पसीना आ जाता है अभी भी। मतलब सर्दी है काफ़ी, लेकिन फिर भी पसीना आ जाता है आपको। बाहर से घर गया हूँ तो कपड़ों पे मिट्टी, पाँव टांगे सारी मिट्टी में भरी हुई थी, तो मैंने कहा नहा लेता हूँ, लेकिन सुबह से ही जो है ना वो हमारी बिजली नहीं है। अभी तकरीबन 1:30 हो गया दोपहर के और अभी तक बिजली नहीं है, सुबह की गई हुई है। और मैंने छत पे जाके टंकी में से पानी देखा तो वो पानी भी बहुत कम था, इतना था कि अगर मैं नहाता तो नहाने भी नहीं था होना और पानी भी ख़त्म हो जाना था। तो मैंने कहा अभी वैसे तो मैं कपड़े चेंज नहीं कर सकता, ना ही नमाज़ पढ़ सकता हूँ, तो मैं आ गया हूँ ट्यूबवेल पे नहाने के लिए। तो अभी ट्यूबवेल पे चलता हूँ, वहाँ पे जाके नहा लेता हूँ। फिर नहा तो मैंने लिया है ट्यूबवेल पे ही, और अभी कपड़े मैं घर तक चेंज करूँगा, क्योंकि कपड़े मैं साथ में लेके आया, जहाँ पे लेके आता अभी तो गीले हो जाने थे, तो वैसे टॉवल मैं लेके आया था साथ, शैम्पू वगैरह लेके आया था, सही तरह से नहा लिया है। तो अब घर जाके नहाने की ज़रूरत तो नहीं है, जाके सिर्फ कपड़े चेंज कर लूँगा, वजू भी कर लिया और जाके बस नमाज़ पढ़ लेंगे फिर। इसी के साथ आज का व्लॉग मैं एंड करता हूँ, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद वीडियो देखते रहें आगे। आज के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।